हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो 30 अक्टूबर है उसमें तीन मुकाबले खेलने जाएंगे और जो दूसरा मुकाबला है वो है पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस मुकाबले के बारे में, पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के बारे में, कि पिच रिपोर्ट क्या है, कौन से प्लेयर जो है इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, स्मॉल लीग के लिए कौन से बेहतर खिलाड़ी होंगे और हेड टू हेड के लिए कौन से बेहतर खिलाड़ी होंगे, ग्रैंड लीग के लिए कौन से बेहतर खिलाड़ी होंगे, लाइव कैसे देखें, किसको कैप्टन बनाएं और कौन सा खिलाड़ी चल सकता है, कौन सा खिलाड़ी नहीं चल सकता है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, अगर बात करें 30 अक्टूबर की, तो 30 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का मैच आएगा जो कि 12:30 बजे से आएगा, इंडिया के टाइम के अनुसार 12:30 बजे आएगा और ये पर्थ पे होगा। पर्थ पे तीन मैच खेले गए हैं जो कि लो स्कोरिंग ग्राउंड है, जो पिच है वो लो स्कोरिंग ग्राउंड है, मतलब 150 से ऊपर नहीं बनेगा, कम ही बनेगा, क्योंकि बहुत अच्छी टीमें तो नहीं है, तो 150 से कम ही बनेगा, जिसमें से जो सेकंड बैटिंग करती है, मतलब जो चेज करती है, उसको जीतने के चांस ज्यादा रहते हैं जो सेकंड बैटिंग करती है। अभी जो पिछला मैच हुआ था पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे का, उसमें भी यही पर्थ पे हुआ था और कितना 130 रन का नहीं बना पाई थी और एक रन से जीत गई थी। तो लो स्कोरिंग है और जो सेकंड इनिंग है उसका जीतने का चांस ज्यादा रहता है, पहले वाले का भी बहुत कम रहता है। तो ये पिच रिपोर्ट है जो कि पेसर को अच्छी मदद मिलेगी, जो फास्ट बॉलर है जिनमें लंबी उछाल है, तेज गति है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और ये जो पर्थ है इसका जो ग्राउंड है वो भी लंबा है, तो इस जो स्पिनर है उनको मारने के चक्कर में भी बहुत सारी विकेट गिरती रहती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को फ्री में देखना है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां पे मैं आपको फ्री में ऐप्स देता हूं, उसके अलावा लिंक भी देता हूं कि ताकि आप फ्री में मैच देखें बिना कोई पैसे दिए हुए। उसके अलावा ग्रैंड लीग की टीम भी प्रोवाइड करता हूँ, स्मॉल लीग की टीम भी प्रोवाइड करता हूँ, वो भी फ्री में, और भी बहुत सारे जो अपडेट होते हैं मैच के, अगर कोई प्लेयर इंजर हो गया है, पिच रिपोर्ट कैसा बिहेव करती है, कभी कभी क्या होता है कि बारिश होने की भी संभावना रहती है, तो भी टॉस के रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं मैं सब टेलीग्राम पे देता हूँ, क्योंकि सबका वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और सबके पहुंच नहीं पाएगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको पूरी अपडेट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इम्पोर्टेंट प्लेयर कौन से हो सकते हैं। तो देखो, पाकिस्तान के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये मैच होने वाला है। हालांकि पाकिस्तान आउट ऑफ हो गया है टूर्नामेंट से, मुझे लगता है कि अभी क्वालिफाई करेगा, लेकिन फिर भी अगर किस्मत रही तो कर भी सकता है। अगर कल का मैच हार गया तो 1% भी चांस नहीं है क्वालिफाई करने का, तो थोड़ा बहुत चांस है और पाकिस्तान पूरा जोर लगाएगा जीतने के लिए और शायद जीत भी जाएगा नीदरलैंड से। थोड़ा सी कमजोर टीम है कंपेयर टू नीदरलैंड, लेकिन जो कमजोर टीम है वो भी हरा दे रही है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान में बाबर आजम जो कैप्टन है ओपनिंग करने आएंगे, उनके साथ आएंगे मोहम्मद रिजवान, जो रिजवान है वो विकेट कीपर है। खैर, अभी ये दोनों एक मैच में भी नहीं चले और यही नतीजा है कि दोनों मैच हार गई, पाकिस्तान दोनों मैच हार गई है, तो ये दोनों नहीं चले हैं। इसके बाद आएंगे शान मसूद अच्छे फॉर्म में है और दोनों मैच में चले हैं। उसके बाद आएंगे इफ्तिखार आलम, ये भी अच्छे फॉर्म में हैं, इफ्तिखार आलम। उसके बाद हैदर अली, हैदर अली हार्ड हिटर हैं। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर और जो है लास्ट नसीम शाह। ये प्लेइंग 11 हो सकती है और मोस्टली यही रहेगी। अगर बात करें पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट प्लेयर के बारे में, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान,
शान मसूद 3, शादाब खान 4, नवाज 5, शाहीन शाह अफरीदी 2 मैच खेले हैं, 1 भी नहीं चले हैं। उसके बाद हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम, ये आप इतना 2, 2, 4, 5, 6, 7 प्लेयर आप यहां से ले सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर बात करें कि नीदरलैंड की टीम से प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो यहां पे विक्रम सिंह जो है ओपनर है, उसके बाद मैक्स, बी लिंडे, अकवरमैन, टी कूपर, एडवर्ड, टीम प्रिंगले, वान बी, सरीज अहमद, यफ खलासन और विन मैकरिन, ये प्लेइंग 11 होगी। इसमें से अगर बात करें इम्पोर्टेंट प्लेयर की, तो बी लिंडे सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर यहाँ पे एक हो गए, अकरमैन ये भी अच्छी फॉर्म में है, उसके बाद आप यहाँ पे टीम प्रिंगल, ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, और यफ खलासन और विन मैकरिन इतने इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, आप इनमें से ले सकते हो ड्रीम 11 के लिए। दोस्तों अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन पाकिस्तान के टीम से ही बनाएं, और यहाँ पे ज्यादा रन नहीं बनता है तो बॉलर को ही बनाएं। तो मेरे तो वसीम, मोहम्मद वसीम कैप्टन और हारिस रऊफ वाइस कैप्टन ये हो सकते हैं। अगर इधर से तो मुकरीन को वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं, और बी लिंडे को वाइस कैप्टन या कैप्टन बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि विकेट ज्यादा गिरेगी तो बॉलर को मदद मिलेगा, तो आप बॉलिंग को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएं। बाकी जो टीमें हैं, जो इतने अपडेट हैं, ग्रैंड लेवल की टीम है, ड्रीम इलेवन की टीम है, सब मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां पे जितने भी हैं सब मैं वहां पे अपडेट करूंगा।